वास्तुशास्त्र का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व होता है और वास्तु के अनुसार घर में चीजें की जाएं या घर का सामान वास्तुशास्त्र के अनुसार रखा जाए तो घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। जिस घर में हर काम वास्तु के अनुसार किया जाता है उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और साथ ही खुशियाँ आती हैं। आपको बता दें कि धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी वास्तुशास्त्र को अपनाना फायदेमंद होता है और वास्तु में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिसे करने से घर में गरीबी और दरिद्रता कभी नहीं आएगी। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी ही बातों को आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में करने से गरीबी दूर होती है और घर खुशियों से भरा होता है। अगर घर की महिलाएं ये काम करेंगी तो होने वाले पैसों की किल्लत वो दूर हो जाएगी और घर में खूब सारा पैसों की बरसात होने लगेगी। तो आइए आपको बताते हैं उन कामों के बारे में। पहला, घर में जब सुबह का खाना बनता है तो उस खाने को सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही खाना खाएं। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। महिलाएं ये काम करती हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और पैसों की कभी कमी नहीं होती। दूसरा, घर में जिस जगह पैसे और गहने रखते हैं या फिर तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाकर रखें, ऐसा करने से आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होगी। तीसरा, झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां पर किसी की नजर ना पड़ सके। घर में झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखने चाहिए। आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी की प्रिय होती हैं, इसलिए कभी भी इस पर पैर से ठोकर ना मारें। चौथा, घर की महिलाओं को सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करके और नहाकर ही किचन में जाएं। अगर महिलाएं बिना नहाए रसोई घर में जाती हैं तो माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।